तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 12th का एमपी बोर्ड का जो केमिस्ट्री का पेपर है इसके बारे में बड़ा न्यूज़ लेकर के आया हूं। तो जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, तो न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत ही खतरनाक न्यूज़ वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो केमिस्ट्री का पेपर है वो द्वारा से होगा, उसे एमपी बोर्ड सरकार ने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो बोर्ड द्वारा से होगा, ऐसा न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो इस न्यूज़ का मैं विश्लेषण करने वाला हूँ, पूरा डिस्कशन करके आपको बताने वाला हूँ इस केमिस्ट्री के पेपर का क्या हुआ है, कौन सा न्यूज़ है, कैसे वायरल हुआ है, पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड, ये आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, ये वाला न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा विगत पिछले महीने में 10वीं तथा 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाएँ ली गई थी, जिसमें 12वीं की कक्षा के गणित विषय के केमिस्ट्री के पेपर में छात्रों और छात्राओं ने असंतुष्टि जताई थी। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता चल रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है यानी कक्षा के गणित विषय के केमिस्ट्री के पेपर में, तो इस सेंटेंस से आप समझ सकते हो कि ये न्यूज है, ये बिल्कुल फेक है, यानी किसी ने एडिट किया हुआ है। यानी गणित विषय के केमिस्ट्री के पेपर, ये क्या होता है फ्रेंड, आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी गणित विषय का केमिस्ट्री का पेपर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गणित का अलग पेपर होता है, केमिस्ट्री का अलग पेपर होता है। और यहाँ पर आगे दिया हुआ है, सभी छात्र छात्राओं का कहना था कि थोड़ा पेपर बाहर से आया गया है। देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे, किसी भी न्यूज़ पेपर की ये वाली लैंग्वेज नहीं होती है। यानी यहाँ पर बोला है थोड़ा पेपर बाहर से आया गया है, यहाँ पर होना चाहिए थोड़ा पेपर बाहर से आया है या आ गया है, जिसका विवरण किताबों में नहीं दिया गया था, तथा छात्रों और छात्राओं का कहना था कि इस तरह की गलती से उनका प्रतिशत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो बुरा कैसे लिखा है, बुरा यानी यहाँ पर इस तरीके से मात्रा लगती है, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तथा इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, देखिए मद्दे, यहाँ पर बिल्कुल आप समझ सकते हो कितने सेंटेंस गलत दिए हुए हैं, ये न्यूज है बिल्कुल फर्जी न्यूज है, फेक न्यूज है, रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा यह फैसला किया गया है कि वे केमिस्ट्री के पेपर की परीक्षाएं दूसरी बार करवाएंगे, दूसरी बार, देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो दूसरी बार की या दूसरी बार करवाएंगे, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कितना फर्जीवाड़ा किया हुआ है। यह परीक्षाएं अप्रैल माह के दूसरे हफ्ते तक ली जा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको प्यारे छात्र, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री का पेपर द्वारा से नहीं होने वाला है, ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि परीक्षाओं का कोई एक पेपर डबल से संचालित किया जा रहा है। तो फ्रेंड, ये न्यूज है बिल्कुल फर्जी न्यूज है, मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बता दिया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने जो केमिस्ट्री का पेपर दिया वैसा ही, जो जैसा भी किया वही रहेगा। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें केमिस्ट्री के पेपर आपको 3 मार्क्स का बोनस जरूर दिया जा रहा है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, तो उसको आप देख लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।